BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। स्वागत हम पहुँचे हुए थे और उन्होंने स्वागत आप पहुँच कर पूजा अर्चना की है और ये भी कहा जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिला है, माला का रूप बना दिया गया है और जब पूजा अर्चना कर रहे थे उसकी तमाम तस्वीर और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा इस स्वागत धाम से सुनिए। हमने MOI समीकरण देखा था, सत्य है ये MOI समीकरण सिवान में हमने जब पढ़ते थे तो देखे थे कि MOI समीकरण है 90 के दशक में। जब हम पढ़ने के बाद जब हम आए राजनीति में, आए सिवान चिन्ह लड़ने तो हमारा अच्छा मौसम बना कि हम बैस प्लस यादव का समीकरण तैयार। आज मेरी बहन इतिहास रच दी एक साल में, जो आज तक 35 साल में नहीं हुआ, 35 साल में उसने एक साल में करके दिखाया। मैं गर्व से कहता हूं कि सीएमपी गुप्ता मेरी बहन और मैं और उन दोनों, हम दोनों के हैं, उनके हस्बैंड और मेरे सो टोटल सर्किल के लोग के नेतृत्व में नगर परिषद में ऐसा काम हुआ कि कुछ लोगों के जुबान से विरोध निकलने लगा, कुछ लोग विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह के जनता के बीच ये जताना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए कि बिना पद पे रहे एक अपनी बहन को, वैश्य समाज की बहन को मदद करके आज कुर्सी पे बैठ सदन में जाई गई और जब सदन में जाके वो जो काम की, कहीं ना कहीं हमारा उनका नेतृत्व रहा नगर परिषद में, तो हम दोनों ने मिल के जब बिना पद के रहे नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया तो कहीं ना कहीं एक मौका जनता दे। आपको क्या लग रहा है कि फिर से वही गठबंधन जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं वैश्य और यादव गठबंधन, वो तो गठबंधन हो चुका है, हो चुका है। वैश्य और यादव का गठबंधन 25 को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिवान को मजबूत करने का सपना है और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश काफी लंबे काफिले के साथ चले हैं। नहीं काफिला नहीं है, सब मेरे भाई बंधु है, सब प्यार, ये जो गले में काफिला में भाड़े पे लोग बुलाते हैं आदमी, जीवन जी मेरे भाई है, जीवन जी जो गले में माला आपसे, जैसे देखा जाए सिवान में दो बड़े धार्मिक स्थल है महेंद्रनाथ धाम और सुहागरा धाम, लेकिन महेंद्रनाथ धाम काफी प्रसिद्ध है और काफी डेवलप है, लेकिन सुहागरा धाम क्या आप चुनाव जीतते हैं तो सुहागरा धाम को डेवलप कीजिएगा यहाँ के लोगों को, मतलब हम सनातन धर्म से है, सब कोई जानता है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरी जाति हिंदू है, अगर जहाँ जहाँ मंदिर है मैंने वहाँ जितने लोग आए उन्होंने कहा कि मंदिर है चाहे इंतजाम है चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूँ, जितना हो सके बन पड़े करता हूँ। अगर मैं जीतता हूँ यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं यहाँ के लोग हमें बताएं उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा, पहली बात। दूसरी बात अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूँ, नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को जो मैंने आज मैं सुहागरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सिवान जिले को 14 एक स्टेडियम है 13 और देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। और अभी आज रास्ते में देखे कई बीघा 50 बीघा जल गया, लोगों का घर जल गया, मड़ई का कोई कुछ नहीं मिलता है, अग्नि से मन के जल आते ही सब जल के राख हो जाता है, एक मुआवजा भी नहीं मिलता है। वीडियो से पूछिए तो पता चलता है अग्नि की मुआवजा मिलेगा पर कम मिलेगा, ये तो भगवान जानते हैं ना, किसी को नहीं मिलता है कि उन गरीबों का जिनका घर जलता है जिनका खेत जलता है उनकी पहुंच वीडियो सीओ के ऊपर नहीं है, लेकिन उन नेताओं के पास जाके वो दौड़ने से अच्छा घर में बैठना महसूस करते हैं कि दौड़ते दौड़ते जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो हम ये वादा करते हैं कि अग्निशमन की 14 ब्लॉक में 14 गाड़ी प्लस 2 उसके साथ डमी जो 400 लीटर पानी से होता है, छोटी गाड़ी से क्या कहा, उसके बड़ी गाड़ी के साथ 2 डमी होना चाहिए छोटा, ये देने का काम करूंगा। कल मैं छठ घाट गया, दुर्भाग्य है मेरा, मेरा दुर्भाग्य और किसी का नहीं, मैंने अपने मैनिफेस्टो में नगर परिषद में लिखा था संधि नदी का सौंदर्यीकरण, राम बाढ़ गंगा दहा नदी है, बाढ़ गंगा नदी राम जी के बाढ़ से निकला है उसीलिए राम बाढ़ कहा जाता है। तो उस नदी के करीब में जब गया ना तो मुझे लगा कि मैं अपने वादे से चाहे अपने संकल्प से अपने जो मानसिकता से लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं वहां बताने का काम किया लोगों से कि नगर परिषद में वो इसी व्यवस्थाएं नहीं है, वैसा फंड नहीं है जिससे नदी का सौंदर्यीकरण हो सके, लेकिन मैं अगर सदन जाता हूं दिल्ली जाता हूं तो जाहिर सी बात है कि नदी का सौंदर्यीकरण होगा, सिवान के पूरे
क्षेत्र जो भी पड़ता है नदी का क्षेत्र वो सन्द्रीकरण में जाएगा और उसमें बोटिंग की व्यवस्था होगी। योगी जी के आशीर्वाद की बात कर रहे थे आपकी, जब मैं गोरखपुर में था आदित्यनाथ जोगी का काम पसंद है, जोगी जी की विचारधारा पसंद है, इसीलिए मैं आदित्यनाथ जोगी की तरह हमेशा करता हूँ। विश्वास है अभी बॉर्डर पे जीवन जी, ये जो जीवन जी डेवलपमेंट होना, जीवन जी जो गले में माला पहनाई गई है भगवान शिव के लिंग से उतार कर, तो क्या माला, जीत की माला पहना दी गई है, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अब तो भगवान भोलेनाथ की मन की बात जनता जानती है। यहाँ पे जितने भी भीड़ मौजूद है ये जीवन भक्त है या फिर शिव भक्त है, क्या कहिए? शिव भक्त है, हम भी शिव भक्त हैं। जीवन जी कह रहे हैं धोती कुर्ता का युग नहीं जाएगा, ये तो धोती कुर्ता वाले जाने, हम नहीं मंदिर का प्रांगण, मेरा राजनीति है सिद्धांत। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।